व्यूअर्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। लाहौर का सदर बाजार वाकई सस्ता है या नहीं, तो लेते हैं करंट कटोला और पहुंच जाते हैं ना कैंट मार्केट में। तो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अरूज फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरूज फातिमा व्लॉग्स एंड हैक्स। तो चलो आओ देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़, किस रेट पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो पहले आपको करना पड़ेगा ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मिलती रहे मज़ीद मज़े मज़े की वीडियोस। तो आते ही इस मार्केट में मैं चली गई इस बुटीक में, क्योंकि लेनी थी मुझे अपने लिए एक फ्रॉक, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया। नेक्स्ट हम गए पर्दा मार्केट, क्योंकि मुझे लेने थे घर के लिए पर्दे, और पर्दों में इतने डिज़ाइन अवेलेबल थे कि मैं खुद कन्फ्यूज थी कि कौन सा कलर किस डिज़ाइन में क्या लूँ। लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मार्केट को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए। तो पहुंच गई मैं एक होम डेकोर शॉप पे। वहाँ पे जाते ही मेरी एक्साइटमेंट लेवल पीक पे पहुंच गई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो तमाम चीज़ें मिल गई थी जो कि मुझे चाहिए थी। तो जैसे ही हमने शीशा देखा और अपने नकाब पे और हिजाब पे हाथ साफ कर लिया, और यानी कि उसे ठीक कर लिया, वहाँ से निकलते ही मुझे मिली एक और शॉप जहाँ पर बहुत मज़े मज़े के सोफ़ा सेट, टेबल्स और बेड सेट मौजूद थे। यू नो कि आगे आ रहा है वेडिंग सीजन, तो जिनकी शादी है उनके लिए तो ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ये सोफ़ा सेट और बेड सेट बहुत रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल थे। आगे हम गए क्योंकि मुझे लेनी थी अपने घर के लिए एक टेबल सेट। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा डिज़ाइन और इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हर चीज़ के प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें कैंट मार्केट में। यहाँ से निकलते ही हमें एक शॉप नज़र आई जो कि थी फ्राइज़ की। हमने वहाँ फ्राइज़ पे फ़ौरन ही हाथ साफ किया, और साथ ही हमारी तुरंत तश्तरी तैयार थी, घर की जानेब बढ़ने लगे। तो आप बताएं कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया